क्या कर रहे हो? ये देख रहे हो? देख लो। पापा मम्मा हम लानी कुछ हल्के फुल्के चुटकुलों से मैंने एक दिन देखा कि पड़ोसी में जब दवा उनके घर का छलका क्या देख रहे हो आप? और जब वो नीचे नहीं उतर पाया तो मदद के लिए फोन लगा। ये क्या है? डोरेमोन अच्छा लगता है आपको? ये रहा हादी का कस्टर्ड। स्क्रीन को देखा मैंने पूछा अरे आखिर जा कहाँ रहे हो? और उस छोटे से स्क्रीन को मेरी तरफ देखा भी नहीं और चुपचाप कस्टर्ड अच्छा लगता है? फेवरेट है ना हादी का तो कस्टर्ड है। हादी फेवरेट है आपका। शुक्रिया आप मुझे स्टेज पर जाने की हिम्मत आ गई है। सच में अंकल हम दोनों को बहुत ही ज्यादा मजा आया। यार कर रही हूँ आपको नींद आ रही है ना? है ना मजे से पापा के साथ जाऊंगा। गीला करके तो उसको साफ कर दो आपको लगी नहीं। नहा लिए सुकून मिल गया आपको नहा के हैं? अब खाना कौन खाएगा? ये आपका कौन खाएगा खाना? आप खाओगे ना? मम्मा खिलाए आपको खाना। चलो फिर सही से आके बैठो और ये खाना खाएंगे। साथ साथ क्या चलेगा? कार्टून चलेगा। कार्टून देखने आते हैं? अच्छे लगते हैं आपको डोरेमोन? अच्छे लगते हैं ना आपको? हाँ इधर तो देख लो पहले ज़रा। चलो जल्दी से खाओ आप, मम्मा खिलाएंगी। ये मक्खन पराठा और ये अब्दुल हादी की चाय और ये आया मुंह में आया अब्दुल हादी के और ये ये गुड बॉय है मेरा। गरम नहीं है, ठंडी है चाय। सही है, ठंडी है चाय, ठीक है ना? चाय पराठा। ये अब्दुल हादी का डिनर और ये डिनर हो रहा है और ये मेरी चाय है और अम्मी ने चाय पी ली है और ये हादी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ये हमने थोड़ी सी चिकन ली है अब्दुल हादी के लिए। जिस तरह से वो खाते हैं बिल्कुल सिंपल, ना वो नमक खाते हैं ना वो मिर्चें खाते हैं, फिर भी हमने उनको मिर्चों का फ्लेवर ना लगे हमने मैदा लिया है, उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्ची और नमक हमने ऐड किया है ताकि उसको फ्लेवर भी लगे और मिर्चें ना लगें इसलिए। और इसके लिए हमने दो चार बोटियाँ, जो क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नहीं खाता, वन पीस भी ले ले बहुत बड़ी बात है। तो अब हम इसको अच्छे से फ्लोर के अंदर इस तरह से इसको मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट अच्छे तरह इसको दबा दबा के करना है ना आपने ऐसे, और फिर उसके बाद आपने करना है इसको एक प्याली में हमने ठंडा कूल वाटर लिया है और फिर इस तरह से करके पानी को इस तरह ड्राई कर लेंगे और फिर से हम इसको इस तरह से करेंगे अच्छी तरह ताकि हमारी चिकन पे अच्छी तरह ये लग जाए। ये देखें अच्छे से कुटिंग हो रही है और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसका अच्छा सा फ्लेवर वगैरह आएगा। बिल्कुल अच्छी तरह आप डाल लीजिए। वैसे तो वो जो चिकन लेग पीस होते हैं मैं उनको इस तरह से बना देती हूँ और फिर जब नहीं होते, मगर खानी उन्होंने यही है, जब घर में कुछ अवेलेबल नहीं है तो फिर ये मैं बना दूँ, जो भी उसको जब भी उसका मूड हो तो मैं उसको खिलाती ज़रूर हूँ बना के। इसी तरह से पहले हमने इसको फ्लोर लगाना है, सेकंड स्टेप अच्छी तरह हमने लगाना है। ये देखें ये हम लगा रहे हैं इस पर
फिर हमने पानी में करना है इसको, कूल वाटर में। फिर से हमने इसको इस तरह से इसको अच्छी तरह ये इसमें लग जाए, कहीं से भी इसकी कोई रहे ना जगह बाकी। ये अच्छी तरह फ्लेवर, जो बच्चे खाते नहीं है ना मिर्च वगैरह छोटे बच्चों, उनके लिए बहुत अच्छा आइटम है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बना के रख ली है। अब हम इसको मैरिनेट हमने कर दिया, अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। मैरिनेट के 2-4 घंटे बाद हम इसको फ्राई करके देंगे, या फिर जब भी आपके बच्चों ने खाना हो तभी निकालें फ्रिज से। 10-15 दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं किसी कुछ बॉक्स के अंदर, और फिर इसको जब बच्चे खाएं तब आप उनको फ्राई करके दें डीप फ्राई, और बहुत यम्मी और बहुत लजीज बनते हैं जी। गाइस, ये हमने ऑयल डाल दिया है, अब हम इसमें रख देंगे फ्राई के लिए डीप फ्राई। ठीक है, ये फ्राई करेंगे हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट वन साइड, फिर 5 मिनट टू साइड, बस बहुत ही 5 मिनट में तब बन जाएगा ये। और अब हम इसको ढक्कन से अच्छे से कवर कर देते हैं।